हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि मैं विजिट कर रहा हूँ अगेन जो है नेशनल वॉर मेमोरियल पे, और मौसम थोड़ा ज़रा डिफरेंट हो रहा है यहाँ पे। इन द सेंस बारिश का मौसम हो रहा है और बारिश का मौसम जो विजिट कर रहा हूँ यहाँ पे नेशनल वॉर मेमोरियल पे। तो सो गाइस, बने रहेगा शुरू से लास्ट तक। देखते हैं आज इंडियन आर्मी की जो सेरेमनी है वो किस तरह से होती है, किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं इस बारिश के मौसम में। गाइज सो गाइज, यहाँ से ऑटो मैं ले चुका हूँ और इधर से जो है थोड़ा ही डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मीन्स हाफ एन आवर का डिस्टेंस है मेरे यहाँ से। तो बने रहेगा शुरू से लास्ट तक, विजिट करते हैं और देखते हैं। मौसम जो है काफ़ी सुहाना हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, इस मौसम में जो है इंडियन आर्मी किस तरह से परफॉर्म करती है, किस तरह से श्रद्धांजलि देती है। सो गाइज बने रहेगा। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं यहां पे, और यहां पे जो ये जो एरिया है ये है जो इंडिया गेट है, जो नेशनल वॉर मेमोरियल है उसके नज़दीक का एरिया है। तो ये भगवान दास रोड है एक्चुअली में। ये तो ये यहां पे जो है अभी मौसम तो काफ़ी दर्दनाक हो रहा है, बिल्कुल बारिश मौसम एकदम काले बादल छा चुके हैं। गाइज आप देख सकते हैं सर, एकदम काला हो चुका है, तो लग रहा है इवनिंग का टाइम हो, जबकि टाइम इतना हुआ नहीं है अभी। जो लगता है कि बारिश अब जो है यहीं से स्टार्ट होने वाली है, शायद मैं पहुंच पाऊँ ना पहुंच पाऊँ, देखते हैं, फिर भी ट्राई जरूर करूँगा। बने रहिएगा सिलसिले के लास्ट तक। मौसम काफ़ी जो है ख़तरनाक हो चुका है और ये बारिश भी अब जो है स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर बारिश जो है पर धीरे धीरे बढ़ती हुई। तो मैं अभी हूँ बस स्टैंड पर, सभी लोग यहाँ पे जो है आसपास के सब यहाँ पे अपनी बाइक लगा के बैठे हैं यहाँ पे। खासकर जो है वो एक तरह का एक जो है ऐसा एरिया देखते हैं जहाँ पे बारिश से बचा जा सके। तो सामने भी जो है कुछ लोग खड़े हैं बस स्टैंड पे, और आमने सामने ये स्टैंड जो है। इस बारिश रुकने का वेट कर रहा था मैं, लेकिन बारिश तो रुकी नहीं, तो मैं ऐसे ही जाऊँगा वहाँ पर दिखता हुआ। ये पूरा पानी भरा पड़ा है, ये अंडर पास पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे घुटने तक का पानी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं विजिट करूँगा। फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मेरी जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो प्लीज़ गाइस बनी रहिएगा सोशल रास्ते, ऐसे मौसम में भी मौसम कोई भी हो, देते ही देते हैं। तो सीख रहे हैं स्टेजमेंट के जवान यहाँ पर जो है सेरेमोनियल में जो है बने रहे हैं। जो अमर तो गाइज ये सेरेमनी में जो इस जो शहीद हुए हैं आज, उनकी फैमिली मेंबर हैं ये, जो कि उनको जो है श्रद्धांजलि देने आए हैं यहाँ पे। इनके साथ जो है ये देख पा रहे हो आप, तो इस सिख रेजिमेंट के जो जवान हैं ये बगैर वैसी बारिश में जो है परफॉर्म कर रहे हैं, आप जो है जो सेरेमनी में उसको परफॉर्म कर रहे हैं। और ये श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से भी, मेरे पूरे जो ऑडियंस है उसकी तरफ से भी, हम इनको नमन करते हैं, सच सच नमन। इनके जो
बलिदान है, इसको भुला नहीं जा सकता। इसको जो है ये हिस्ट्री में तो दर्ज है ही, ये हमारे दिलों में भी दर्ज रहेगा हमेशा के लिए। सो गाइस, सेरेमनी जो है वो जो है समाप्त हो चुकी है आज की, और बारिश के बावजूद भी जो है इंडियन आर्मी जो है एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिखाए यहाँ पे, वो बखूदी निभाया जो जैसी परफॉर्मेंस होती है, ये सिग्नेचर कर रहे हैं यहाँ पे। और ये ऊपर भी देखें तो आप पानी ही पानी है हर जगह, अभी भी पानी जो है बरस रहा है। सिख रेजिमेंट के जवान जो अभी जो है सेरेमनी में जो है शामिल होकर जो है वापस आ रहे हैं, जवानों का जोश जोश में कोई कमी नहीं। और धीरे धीरे यहाँ से क्राउड जो है अपने जो है क्राउड को खाली करने का जो ऑर्डर आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर स्टे नहीं कर सकते इस टाइम। उसके बाद ये ओपन होता है पब्लिक के लिए, जब जो हमारे नेशनल फ्लैग हैं, इंडियन आर्मी के फ्लैग हैं, जब फ्लैग को जो है हटा दिया जाता है तब ये रीओपन होता है फिर दोबारा। तो अभी जो है सभी को जाने का जो है वो ऑर्डर है फिलहाल। तो अभी गाइस बने रहेगा, मैं आपको जो है ओवरव्यू दिखाने की कोशिश करूँगा ऊपर से, जो बारिश का जो सीन है वो किस तरह का दिखता है नेशनल वॉर मेमोरियल। एक्चुअली ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है जब मैं बारिश में यहाँ पे आया हूँ। आपका जो सीन है वो काफ़ी खूबसूरत है, खूबसूरत बोले तो ये एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है पूरा पूरा एरिया जो है। और वो लाइटिंग जो है वो जला दी गई यहाँ पे, उससे पहले जो है वो जब तक सेरेमनी होती नहीं है तब तक ये ऑफ ही रहती है। तो गाइस वीडियो की क्वालिटी पे मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन जो ओवरव्यू मेरा था आज का जो यहाँ पे आने का बारिश में और इंडियन आर्मी की परफॉर्मेंस देखने का, तो वो तो पूरा हो चुका है गाइस। सो गाइस प्लीज़ बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में, ताकि आपको समझ में आ सके मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ का आने का मेरा मेन जो मोटो होता है वो सिर्फ यही होता है कि सेरेमनियम को जो है वो मेन मोटो तो जो होता है वो श्रद्धांजलि का होता है, जो आज के दिन पे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाए मेरी तरफ से, आप लोगों की तरफ से भी। और दूसरा मोटो जो मेरा ये होता है कि वो दिखाने का होता है कि जो लोग दिल्ली NCR में नहीं है, पास में नहीं है, वो लोग भी जो है इस चीज़ को देख सकें। तो ओवरव्यू जो है बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, एक पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार आपको सारी जगह से। तो ये सिख रेजिमेंट के जवान थे जो चले गए हैं, और धीरे धीरे सब क्राउड जो है इस रास्ते से जाएगा। तो टाइम आ चुका है गाइस, मैं भी जो है विदाई लूँगा यहाँ से, क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है और ज़्यादा बारिश में मैं रुक नहीं पाऊँगा यहाँ पे भी, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है और काफ़ी भीग भी चुका हूँ एक्चुअली पहले से ही। तो गाइस बने रहेगा शुरू से लेकर लास्ट तक, और
प्लीज़ अगर आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो जो है मिलती रहे। यही जाने का रास्ता है अंडरपास, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे भी पानी भरा पड़ा है एक्चुअली, ये आप देख सकते हैं, दिखने में खूबसूरत तो है लेकिन पानी तो काफ़ी है यहाँ पे भी। अभी जो स्टाफ यहाँ का वो कोशिश कर रहा है बेचारे इस पानी को निकालने की, किस तरीके से निकाल सके यहाँ से। और ये वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लाइटिंग का जो है, ये कुछ लाइटें जो है ख़राब भी हो चुकी हैं शायद पानी की वजह से, नीचे जल नहीं पा रही पूरी तरह से। और वैसे तो ज़्यादातर तो जल रही हैं, खैर एक आधी हैं जो ख़राब हैं। सो गाइज, इस तरह की वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और मिलते हैं आगे की जो वीडियो है।